नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज का जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए, किसी भी विश को पूरी करने के लिए आप लोग बहुत सही जगह आए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कई सारे वीडियो, वैसे तो ऑलरेडी कई सारे वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब पर मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ इस टेक्निक को आज कहेंगे मैजिकल टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई टेक्निक मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 2 × 2 × 2 टेक्निक, 3 × 3 टेक्निक, 5 × 5 टेक्निक, जो कि समय लेती है 2 डेज का 3 डेज का 5 डेज का। पर आज जो मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी वाली टेक्निक है, मैजिकल वाली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वुल्फ से हम हमारी इच्छा मांग रहे हैं, वो हमें ज़रूर देगा। यहाँ पर आप देखिए कितना मैजिकल पिक्चर है ये वुल्फ। आप इसे अपनी मनोकामना कहेंगे, आप इसे अपनी इच्छा कहेंगे और फिर आप देखेंगे मैजिक। आपको सिर्फ एक सेंटेंस की चैंटिंग करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैंटिंग करना है। ना कोई टेक्निक है, ना कोई समय स्पेंड करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैंटिंग करना है। और ये चैंटिंग ही आपको अपनी विश से बहुत जल्दी मिला देगी। तो क्या है वो टेक्निक, चलो मैं आपको बताती हूँ। मगर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है इसमें आपको क्या करना है, हमें कोई ज्यादा लंबा समय नहीं लेना है। पहले हम इसे सिर्फ 7 डेज के लिए करेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा समय लेते हैं, बीच बीच में नेगेटिविटी आने लग जाती है, बोर होने लग जाते हैं, तब क्या करें। तो ऐसे में हम सिर्फ लेते हैं 7 डेज का टाइम, ठीक है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 7 डेज का टाइम लेंगे, 7 डेज कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हमको लगेगा कि यार और है मन करने का, और कोई नई विश आ गई है, वो विश तो पूरी हो ही जाएगी, और कोई नई विश आ गई है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे और फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो चलो पहले क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो वुल्फ का फोटो, ठीक है, वुल्फ आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत मैजिकल है ना, कितना प्यारा। इसे आपको पहले ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। आप इस वुल्फ को थैंक यू कहेंगे, थैंक यू वुल्फ, आप मेरे सामने आए, तुम मेरे सामने आए हो ताकि आप अब मेरी मनोकामना भगवान से कहोगे और वो बहुत जल्दी मेरी विश से मुझे मिलाने वाले हैं, ठीक है। आपको ये महसूस करना है कि ये जो वुल्फ है, ये जो वुल्फ मुझे दिख रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लास्ट में फुल पिक्चर आपको इसका दे दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं नहीं दिखूंगी, सिर्फ ये वुल्फ दिखेगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि जो यूनिवर्स है, आपने अपनी विश को इतना दिल से चाहा है कि यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बना के इस वुल्फ को आपके पास भेजा है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, तभी यूनिवर्स ने, आपके भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया है और इस वुल्फ को भेजा है कि ये वुल्फ अब आपकी इच्छा पूरी करेगा। इसको बता दो कि क्या है वो विश, ठीक है। तो अब इस विश को हमें इस वुल्फ के सामने पहले आप इससे थैंक यू कहें, थैंक यू वुल्फ, आप मेरे लिए आए, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और फिर इसे कहना है अपनी विश। सपोज कीजिए कि मैं एक जॉब चाहती हूँ जिसकी सैलरी हो 70,000 पर मंथ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वुल्फ को आपको कहना है थैंक यू वुल्फ, तुम मेरे लिए आए, मेरी विश को सुनने के लिए आए, मेरी विश को पूरी करने के लिए आए। मुझे पता है मेरी विश अब पूरी हो ही जाएगी, मुझे ये विश मिल चुकी है, पर अब बहुत जल्दी आप इसे मुझे दिखाने वाले हो। तो मेरी विश है कि मुझे ये जो मेरी जॉब है ये बहुत जल्दी मिल जाए, मेरी जो सैलरी है वो 70,000 पर मंथ हो जाए। तो आप ये जल्दी से मुझे दिखाओ कि ये जॉब कहाँ है, जल्दी से मुझे देखना है, और बस ये आपको एक ही बार कहना है, ठीक है, बस आप इतना सा कह दीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, रोज रात में सोते समय 7 दिनों तक, ठीक है, वुल्फ को तो आपको एक ही बार कहना है, और उसके बाद में रोज रात में सोने से पहले, बेस्ट टाइम है सोने से पहले, वैसे तो आप दिन में जब भी फ्री रहते हैं तब भी कर सकते हैं, पर सोने से पहले वाला जो टाइम होता है ना वो इतना पावरफुल वाला टाइम होता है कि उस टाइम हम हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में झूला झूल रहे होते हैं। तो हमको क्या करना है, उसी टाइम पर पकड़ करनी है, कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तभी उस पर मार करो, तो उस टाइम लोहा गर्म रहता है जब हम सोने वाले रहते हैं, क्योंकि तब हम सबकॉन्शियस माइंड से मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम अब आपको जो चैंटिंग करना है, जो मैं आपको बता रही थी कि एक मैजिकल सेंटेंस आपको कहना है, वो है वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, ठीक है। सिर्फ इस सेंटेंस की आपको चैंटिंग करनी है 108 टाइम, मतलब 108 बार जाप करना है।
आपको फील करना है कि जो वुल्फ का मैजिक है वो अब शुरू होने वाला है। तो ऐसा करने से आपका क्या है, सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच चुकी है कि जो वुल्फ को आपने अपनी बात कही है, आपने एक ही बार कही है, उसने आपकी बात सुन ली है और वो जा चुका है यूनिवर्स के पास में, और वो सात ही दिनों में आपकी विश को आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है, ये चीज़ आप बोल चुके हैं पहले से, उस वुल्फ को बता चुके हैं और उस वुल्फ को आपने बता दी है, वो वुल्फ जा चुका है यूनिवर्स के पास में, आपकी विश जा चुकी है और बहुत जल्दी वो आने वाली है। तो बस आपको अपने दिमाग को कहते रहना है, सबकॉन्शियस माइंड को समझाते रहना है, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ। बहुत ही मैजिकल सा रिजल्ट आपको मिलेगा, आप इसे करें। डेली सिर्फ 108 बार आपको जाप करना है, चैंटिंग करना है। ठीक है, याद रखो, मिस नहीं करना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि आप छोड़ दो फिर सोचो कि यार कल से शुरू कर देंगे। नहीं, अगर शुरू कर दिया है तो 7 दिन पूरा करो, और अगर बीच में छूट गया है तो फिर से 7 दिन करो। ठीक है, और बस इतना सा करो। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, हाँ आप लिख भी सकते हैं इसे, आप चाहे तो इसको 51 टाइम सुबह, 51 टाइम शाम को लिख सकते हैं, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ। 51 मतलब 51 बार सुबह लिख ले, 51 बार शाम को लिख ले, रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा साथ ही दिनों में। कितनी ही आपकी मुश्किलों वाली मनोकामना हो, कितनी भी टिपिकल वाली समस्या हो, टिपिकल वाली इच्छा हो, पूरी जरूर हो जाएगी। बहुत ही मैजिकल ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप इसे कीजिएगा जरूर, और फिर मेरे साथ में रिजल्ट जरूर कीजिएगा, रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगे, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मेरी विशेज आपके साथ में है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी से भरे रहिएगा, तभी इच्छाएं पूरी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और मैजिकल ट्रिक लेकर आऊंगी, एक और मैजिकल टिप लेकर आऊंगी। मेरा रास्ता जरूर देखिएगा। बाय बाय।